थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अब आप लोग सोचेंगे थैंक यू क्यों? थैंक यू बिकॉज वी इन इंडियन सिनेमा हैव मेड टू मूवीज ऑन सेम एंड सिमिलर काइंड ऑफ थीम एंड बोथ द मूवीज हैव रिसीव्ड ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंसेस एंड द क्रिटिक्स. एंड टुडे आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट दिस मूवीज. एयरलिफ्ट स्टारिंग अक्षय कुमार एंड रिलीज इन हिंदी एंड टेक ऑफ स्टारिंग पार्वती कुंचाकूब एंड फहद फाजिल विच आर रिलीज इन मलयालम लैंग्वेज. अब दोनों मूवीज सक्सेसफुल, सिमिलर थीम, अच्छे एक्टर्स, तो भाई लोग कंपैरिजन तो लाजमी है. तो मैंने भी सोचा क्यों ना दोनों मूवीज़ को थोड़ा सा टटोला जाए और तराजू में रखकर देखा जाए. लेट्स वेट बोथ द मूवीज़. वैसे याद आया, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ डू दैट. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड इट गिव्स यू सम सेटिस्फैक्शन, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद नियर एंड डियर वंस. वैसे तो दोनों मूवीज़ का थीम इंडियन सिटीजन इवैक्यूएशन ही था ड्यूरिंग द गल्फ वॉर एंड द इराक क्राइसिस. पर आप बताइए विच वन इज योर फेवरेट एंड ऑल्सो सजेस्ट मी सम टाइटल्स इन मलयालम. एयरलिफ्ट बेस्ड है मास मिशन पर विच इज हेल्ड एज बिगेस्ट इवैक्यूएशन मिशन बाय एनी गवर्नमेंट एंड अक्षय कुमार प्लेड द रोल ऑफ अ मलयाली बिजनेसमैन मैथुनी मैथ्यूज. देख लो भाई, यहाँ भी आ गया मलयाली. एनीवे, एंड टेक ऑफ इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रेटेजिक मिशन टू इवैक्यूएट अ ग्रुप ऑफ नर्सेज हु वर कैप्टिव ऑफ मिलिटेंट्स. सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इन 2016 आई लव्ड द मूवी एयरलिफ्ट एंड आई सीरियसली लाइक द मूवी एंड इट हार्डली मैटर टू मी दैट हाउ रियल इंसिडेंट्स वर पोर्ट्रेड. द फिल्म वॉज एंगेजिंग विद अ बॉलीवुड स्टाइल ऑफ तड़का एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी व्हेन आई वॉच्ड एयरलिफ्ट. व्हेन आई वॉच्ड टेक ऑफ आई फेल्ट मोर हैप्पी एज द मेकर्स ऑफ टेक ऑफ हैज टेकन ऑफ द इवैक्यूएशन मिशन टू अ न्यू हाइट. द स्क्रीन प्ले, द कैरेक्टर्स, द नैरेटिव, ऑल ऑफ दिस एक नंबर. सीरियसली मजा आ गया एंड आई फेल्ट वाओ. दे वुड हैव बीन टू सक्सेस स्टोरीज नेशनली इफ टेक ऑफ वुड हैव रिलीज इन हिंदी डब वर्जन. द सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ द मूवीज आर द मूवीज आर बेस्ड ऑन इवैक्यूएशन. द फैक्ट्स आर रियल इंसिडेंट्स एंड द फैक्ट्स एंड रियल इंसिडेंट्स हैव बीन ट्विस्टेड इन बोथ द मूवीज. बस एयरलिफ्ट हैज लिफ्टेड अप अक्षय कुमार एंड हैज पुट अक्रॉस अदर कैरेक्टर्स एट द बैक साइड. ऑन द अदर हैंड टेक ऑफ में रियल इंसिडेंट्स के बारे में काफी सच्चाई दिखाई गई है पर फिक्शन यहाँ पे भी काफी यूज किया गया है. दोनों मूवीज में लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस लाजवाब थी. दोनों मूवीज एयरलिफ्ट और टेक ऑफ कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज हैं. दोनों ही मूवीज को बहुत सारे अवार्ड्स मिले. अब बात करते हैं, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द बेटर वन ऑफ द लॉट आउट ऑफ दीज टू मूवीज विच वी आर टॉकिंग अबाउट. एयरलिफ्ट वॉज मेड ऑन अ बजट ऑफ 32 करोड़ रुपीज एंड ग्रॉस्ड अराउंड 232 करोड़ ऑन बॉक्स ऑफिस. एंड ऑन द अदर हैंड टेक ऑफ वॉज made at a shoestring budget of 5 crores only and it grossed around 30 crores. So both the movies have earned more than 6 times aur is bar commercial baji mein Bollywood baji maar gaya. Matlab high stakes high returns. But if you see a 5 crore movie take off, you will not find lot of flaws on production point. So that it shows the super technical genius team of Malayalam who made a lavish movie in a tight budget. When we are talking about the differences, Airlift only tries to focus on the character of Akshay Kumar and lot of twists are turned deliberately and those things have been done deliberately for the center of attraction of the movie Akshay Kumar, which makes Airlift more filmy aur wo Bollywood mein chalta bhi hai and Take Off a less filmy. Then we will talk about the screenplay and story. And Airlift is very very far away from the real incidents, but Take Off ne koshish kari hai ज्यादा से ज्यादा सच्चाई के पास रहने की. एयरलिफ्ट इज ओनली एंड ऑल अबाउट अक्षय कुमार बट टेक ऑफ इज अबाउट होल टीम लाइक कुंचाकुबन, पार्वती एंड फाजिल एंड ईच कैरेक्टर हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल. अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट इज वेरी एंटरटेनिंग बट टेक ऑफ इज एंटरटेनिंग देन मोर एंटरटेनिंग. अगर डिटेलिंग में जाओगे तो यू विल फाइंड दैट मलयाली पीपल्स नोज हाउ टू टेक तिल आउट ऑफ तेल, मतलब तिल से तेल निकालना. आई डिडंट रिमेम्बर द फ्रेज इन इंग्लिश. See, as a viewer, our job is to see good cinema. और हम audiences को इन दोनों movie के माध्यम से दो अच्छी movies देखने को मिली और वो matter करता है. वो कहते हैं ना, एक शेर तो दूसरा सवा शेर. और शेर सवा शेर के मामले में यहाँ मलयालम थोड़ा सा आगे है, मतलब बाजी मार गया, क्योंकि कम पैसे में सोना बनाने की आर्ट तो मलयालम सिनेमा वालों के पास ही है. But overall, if you will watch both the movies, one thing is for sure that you will start loving your country more. And a patriotic feel develops after experiencing these two beautiful stories. So if you have watched both the movies, mujhe comment section mein jaldi se batao which one do you like more and why.
फॉर मी बोथ द मूवीज डिजर्व्स एन अप्लॉज और आजकल थोड़ा सा बायस हूँ मलयालम की तरफ से पर मैं मलयालम के हीरोइक्स परफॉर्मेंस इन अ स्मॉल बजट के लिए एक एक्स्ट्रा ताली मलयाली भाइयों के लिए एंड हाँ डू लाइक द वीडियो इफ यू जेन्युइनली लाइक इट। जाते जाते दो लाइनें, कहानी तब अच्छी बनती है, कहानी तब अच्छी बनती है जब उसमें सच्चाई होती है और सच्चाई तब चमकती है जब उसमें देशभक्ति की आग होती है। जय भारत, वी लव इंडिया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।